नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ और बात करेंगे वार और तिथि के अनुसार किए गए व्रत और विधि की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, उपवास व्रत रखने की परंपरा हमारे देश में बरसों से चली आ रही है। भारत में ऋषि मुनि कई दिनों तक व्रत रखा करते थे। तिथि के अनुसार हो या फिर वार के अनुसार व्रत रखने का अपना ही एक महत्व और कारण है। जानेंगे आज बुधवार के व्रत के बारे में, व्रत विधि और कथा भी जानेंगे, साथ ही बुधवार को किए जाने वाले उपाय भी जानेंगे। उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। चलिए दर्शकों, बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुधवार व्रत कथा के बारे में। बुध ग्रह को प्रसन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत होता है बुधवार का व्रत। बुधवार के व्रत का पालन किसी भी बुधवार से किया जा सकता है। बुधवार का जो व्रत है, फास्ट, वेडनेसडे का जो फास्ट है, वो व्यापारियों को, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में सक्सेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, वृद्धि के लिए करना चाहिए। जो विद्यार्थी दर्शक है, यदि वो बुधवार का फास्ट रखते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में उनको सक्सेस मिलती है, ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है। वही महिलाओं को गृह कार्य में दक्षता प्रदान करने वाला माना गया है। जो नौकरी पेशा दर्शक हो, यदि वो बुधवार का व्रत रखते हैं तो कार्य में कुशलता प्रदान करवाता है, तरक्की करवाता है, प्रमोशन करवाता है। वृद्ध जनों को, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, यदि वो बुधवार का व्रत करते हैं तो उनकी मन स्थिति में संयम को देने वाला माना जाता है। जगत के मान रूप में जन्मे प्रत्येक जीव को विवेक से संपन्न बनाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास सब कुछ है परंतु गणेश जी भगवान की कृपा नहीं है, बुद्ध की कृपा दृष्टि नहीं है, तो समझिए कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बुद्ध के द्वारा प्राप्त विवेक के द्वारा, ये जो बुद्धि है उसके दाता है गणेश जी भगवान, बुद्ध ग्रह। अंधा व्यक्ति मार्ग में चलने में समर्थ हो जाता है क्योंकि बुद्धि तो काम कर रही है। धनाढ्य व्यक्ति जो है, पैसे वाला है, वो धन का सही प्रयोग करने में कामयाब होता है क्योंकि बुद्धि है। बड़े बड़े संकटों से भी पार जाने का मार्ग किससे प्राप्त होता है हर व्यक्ति को? बुद्ध की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान नारायण ने स्वयं ही जीवन मात्र पर कृपा करने के लिए नवग्रहों के स्वरूप बुद्ध देवता को बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट होकर सर्वशक्तिमान स्वरूप प्रदान किया। बुध ग्रह की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त हो जाए वो ऊंचाइयों की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। जिस पर गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हो, बुध की कोप दृष्टि नहीं हो, व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। और जिसके ऊपर बुध ग्रह की कोप दृष्टि हो, गणेश जी भगवान जिससे रुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति पतन की ओर जाता है। भगवान गणेश की कृपा से, बुध की कृपा से विवेक जागृत होता है। विवेक के आने पर वाणी में कुशलता आती है, कार्य में कुशलता आती है, और यही कुशलता जीवन के हर सेक्टर में प्रॉफिटेबल रहती है, तरक्की दिलाती है, उन्नति दिलाती है और आपका कल्याण करती है। अभाव का, रिक्तता का, अपूर्णता का नष्ट होना, भाव व पूर्णता को प्राप्त कराना बुध की सेवा से ही संभव है। संपूर्ण शरीर क्रिया शक्ति से युक्त हो परंतु दिल और दिमाग ज्ञान शून्य हो तो सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि दिल, दिमाग, चेतना, ज्ञानता से युक्त हो और शरीर क्रिया शक्ति शून्य भी हो तो भी इंसान बैठे बैठे दिमाग की चेतना से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। केवल मात्र दिशा निर्देश के द्वारा ही प्रगति पथ पर अग्रसर होता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को सहज में प्राप्त कर लेता है, जीवन को कृतार्थ कर लेता है। बुध ग्रह ही ज्योतिष
गणित, हिसाब किताब, नाच, डांस वगैरह, वैद्य, डॉक्टरी वगैरह, हास्य, हंसी मजाक, लक्ष्मी, शिल्पकला, विद्या, लेखन का कार्य, अध्यापक, कवि, चित्रकला इत्यादि, संगीत, संपादक, डायरेक्शन, वकील, पत्रकार, संवाददाता, न्याय संबंधी कार्य, औषधि, व्यावसायिक विभाग, सुगंधित द्रव्य, वस्त्र, दाल, अन्न, पक्षी, पन्ना, भूमि, नाट्य, विज्ञान, धातु क्रिया, रसायनज्ञ जिसको बोलते हैं, पुरोहित, पादरी, दूत, माया, सत्य कार्य, जल मार्ग, जहाज, नौकादि, जल संबंधी कार्य, यंत्र कार्य, प्रसाधन करता, नाई जिसको बोलते हैं, ब्यूटी सैलून चलाने वाले, जादूगर, नट, घी, तेल, परिवहन, द्रव्य, खच्चर आदि का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में बुध चतुर्थ भाव व दसम भाव का कारक माना जाता है। जुआ खेलना, युद्ध करना, कन्या के विवाह आदि का निश्चय करना, शत्रु में रूठे हुए मित्रों से संधि करना आदि ऐसे अनेक कार्य बुधवार को शुभ होते हैं। बुध ग्रह बलवान होगा तो निश्चय ही उस व्यक्ति का पथ मार्ग सुख से युक्त होगा, आनंद प्रदान करने वाला होगा। बुध को बलवान बनाने के लिए बुध के मंत्र का जाप करना, गणेश जी भगवान के मंदिर दर्शन करना, यज्ञ कवच, बुध पंचविंशति नामक स्त्रोत का पाठ करना, बुध की वस्तुओं का दान करना, पन्ना रत्न का धारण करना लाभकारी रहता है। बुध ग्रह की शांति बल प्रदान करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना भी की जाती है, माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, गणेश पूजन किया जाता है, हनुमान जी की आराधना की जाती है, विष्णु पूजन किया जाता है, कृष्ण भगवान का पूजन किया जाता है और इन सब का पूजन अद्भुत सफलता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर अभी लौकिक परंपरा में देखें तो हम बुधवार के दिन अपने घर की बहन बेटियों को विदा भी नहीं करते हैं, और जब भी बुधवार का फास्ट आपको आरंभ करना हो तो दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प के सहित बुध ग्रह व बुध भगवान का, गणेश जी भगवान का, गौरी गणेश का, नवग्रह इत्यादि ग्रहों का पूजन करना मंगलकारी रहता है। बहुत सारी कथाएं इस संबंध में भगवान विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अच्छा बोले, मौन रहें, आवश्यकता के समय समय अनुकूल देखते हुए वार्तालाप करें तो हितकर होगा। षोडशोपचार पूजा करें, बुध की आरती करें, इस प्रकार बुध का व्रत का बताया गया है। बुध की अशुभ दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, बुध के वक्री होना, नीच का होना, अस्त होना, इन सब चीजों के अंदर बुध का व्रत लाभकारी रहता है। भगवान बुध को मानने वाला, गणेश जी भगवान को मानने वाला बुद्धिमान बनता है, विजयश्री उसके कदम चूमती है। बुध के व्रत में एक बार ही हरी वस्तुओं से निर्मित मीठा भोजन करना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करें, हरी वस्तुओं का दान भी यथा योग्य अवश्य करें। पंडित जी, बुधवार का जो व्रत है उसकी पूजा विधि के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं बुधवार का व्रत व पूजा विधि के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए और इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी भगवान सहित नवग्रह का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत आरंभ करना शुभ माना जाता है। बुधवार को प्रातःकाल उठे नित्य क्रियाओं से निपटने के पश्चात स्नानादि से स्वच्छ होकर भगवान बुध की पूजा अर्चना करनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हरे रंग की माला वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के लिए भगवान बुध की प्रतिमा ना हो तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के निकट ही जाकर वहां पर जहाँ गणेश भगवान विराजे हों वहां पर भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जी इत्यादि का दान करना चाहिए। एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तुओं से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विधि विधान से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति रहती है, घर में धन धान्य भरा रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।